नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज की साधना वज्र विरोचन्य साधना, माँ छिन्मस्तिका की साधना, फूल जोगिनी की साधना। ये साधना बहुत रोचक, बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत शक्तिदायक और हर वर्ग के साधक के लिए उत्तम है। आज का जो साधना है इसे मैं दो विधान से आप लोगों को बताऊंगा। एक वो जो पूर्ण रूपेण गृहस्थ साधना करना चाहते हैं और एक वो जो तंत्र में आना चाहते हैं। तंत्र मार्ग में आने के लिए जो कुछ मुख्य साधनाएं होती हैं, जो आपको सिद्ध करना होता है, उसमें भगवती की साधना बहुत प्रमुख है। भगवती की साधना हम क्यों करते हैं? भगवती की साधना हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि माँ बच्चे से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, और एक बार अगर माँ प्रसन्न हो जाए तो फिर पिता को मनाना आसान हो जाता है। तो इसीलिए भगवती की एक साधना तंत्र विद्या के शुरुआत में करनी अनिवार्य होती है, वरना महाकाल की प्राप्ति, महाशून्य की प्राप्ति, महादेव की प्राप्ति ये कठिन या बोलो असंभव हो जाता है इस जीवन में। जब हम माँ भगवती की साधना के बारे में सोचते हैं तो भगवती के अनेकानेक रूप हैं। आप जब महापुराण पढ़ोगे तो उसमें भगवती के अलग अलग शत्रुओं के संहार करने के रूप हैं, शिव महापुराण में अलग रूप हैं, फिर दस महाविद्या के अलग रूप हैं। ठीक है, सबसे आसान और जो जल्दी प्रसन्न होने वाली देवियां हैं वो दस महाविद्या में विराजमान है। उसमें आद्या स्वरूपा माँ भगवती काली, छिन्मस्तिका और माँ तारा, ये तीन ऐसी देवियां हैं जिनको तांत्रिकों को प्रसन्न करने में कम प्रयत्न करना पड़ता है। ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है, मतलब सबसे कम समय में आपको अगर कोई सिद्ध होगा या प्रत्यक्ष होगा तो वो माँ भगवती देवी तारा है, और तांत्रिकों की शक्तियों का जो मूल संचार है ज्ञान का वो तारा से ही मिलता है। माँ छिन्मस्तिका चक्रों की देवी है, जो सप्त चक्र आपके हैं उसमें डाकिनी स्वरूप में माँ भगवती देवी छिन्मस्तिका ही उन सारी शक्तियों को कंट्रोल करती है, जगाती है। इनकी साधना से ही वो सप्त चक्र जागृत होता है, और माँ भगवती देवी काली जो आद्या स्वरूपा है वो सिद्ध हो गई तो सब सिद्ध है। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो वज्र विरोचन्य साधना की बात करेंगे जो हमारे कुल गुरु कानिफनाथ जी ने ही दिया था। ठीक है, और डाकिनी स्वरूप में माँ भगवती देवी छिन्मस्तिका की पूजा होती है। तो इसकी साधना दो रूप में आप कर सकते हैं, एक तो तांत्रिक स्वरूप में और एक गृहस्थ स्वरूप में। जो गृहस्थ स्वरूप में करेंगे उनके लिए कुछ सामग्री लगेगी, वो सामग्री है करीब 100 ग्राम चावल ले लेना है, एक रोली ले लेना है, एक दीपक ले लेना है, जो सक्षम है वो 5 पीतल का दीपक रखें। ठीक है, धूप रखना है, धूप जो रहेगा वो गूगल का रहेगा। ठीक है, इसमें दूसरा कोई धूप या अगरबत्ती का प्रयोग ना करेंगे। इसमें एक चीज नवेद में माँ को बहुत प्रिय है और वो होता है शुद्ध छेने की मिठाई, जो कि आप खुद बनाएं, कहीं से बनवा के ना लाएं। ठीक है, जब गृहस्थ रूप में भगवती की पूजा होती है तो उसमें कुछ भी निरामिष नहीं चढ़ सकता है, बिल्कुल सात्विक साधना होगी। भगवती छिन्मस्तिका सात्विक है। भगवती को जो बलि दिया जाता है, चाहे वो छिन्मस्तिका स्थान या कोई अलग अलग आप तंत्र स्थान पर देखते होंगे, वो भगवती की सेविका जो दोनों रहती हैं उनके लिए होता है, जिनके लिए माता ने अपना मस्तक काटा था। इसीलिए भगवती को शुद्ध छेने की मिठाई, घर में आप दूध लाएं, उससे छेना निकालें और उसके बाद उसकी मिठाई बना के भगवती को 9 दिनों तक आपको देना है। 9 दिन का ये सेवा होता है। जिनको तांत्रिक विधि से करना है वो अड़हुल का फूल लें, ठीक है, एक मटका लें, ठीक है, उसको चावल से भर दें। ठीक है, घर से बाहर सुदूर जहां पर 3 रास्ते मिलते हों वहां गड्ढा कोड़कर उसको गाड़ दें एक रात पहले, और वहां एक सिक्का छोड़ दें
कि हे माँ भगवती छिन्मस्तिके, कल से मैं 9 दिन तक तुम्हारा यहाँ सेवा दूंगा, ठीक है। दूसरे दिन जब आप वहां जाएंगे तो 3 सुपाड़ी लेके जाएंगे और ठीक जिस स्थान पर आपने उस मटके को गाड़ा है उसके ऊपर उस 3 सुपाड़ी को रख के उसको दीप, सरसों तेल का और धूप गूगल का देंगे और वहां बैठ करके साधना करेंगे। जिन लोगों को घर में करना है वो घर में जो यंत्र होता है चावल से, एक गोलाकार चावल का बना के अंदर में रोली का एक त्रिशूल बनाएंगे, उसके मध्य भाग में एक दीपक रखेंगे, भगवती के नाम से प्रज्वलित करेंगे कि हे भगवती मैं तुम्हारा यहाँ आह्वान करता हूँ, और उस यंत्र की 9 दिन पूजा करेंगे धूप दीप नवेद फूल और इत्र से। जो भी सामग्री आप चढ़ाएंगे, जो पुष्प चढ़ाया जाता है यंत्र के पास, उसी के ऊपर सारी सामग्रियों को दिया जाता है, ठीक है। तो 9 दिन की ये पूजा होगी दोनों के लिए। जो गृहस्थ हैं वो माँ को शुद्ध छेने की मिठाई चढ़ाएंगे और जो तांत्रिक विधि से करना चाहते हैं वो माँ को, माँ का जहाँ आपने कलश की स्थापना की है, घट की स्थापना की है, उसके ऊपर, घट जमीन के नीचे रहेगा, उसके ऊपर 3 सुपाड़ी देंगे, ठीक है। मंत्र दोनों का एक है, अंतर यह है कि जैसे ही तांत्रिक साधक साधना शुरू करेगा वो अपना 2 बूंद खून निकालेगा और मध्य वाली सुपाड़ी को छोड़ के जो लेफ्ट और राइट में सुपाड़ी रखी है उस पर एक एक बूंद खून देगा, ठीक है। उसके बाद मंत्र जाप होगा रोज 800, सिर्फ 800, गिन के इसको 800 करना है, मतलब 1000 2000 ऐसा नहीं है, 1000 108 ऐसा गिनती नहीं रहेगा इसका, 800 का गिनती रहता है। मंत्र सुनिए, ह्रीम क्रीम क्लीम छिन्नमस्ता, क्लीम क्रीम क्रीम ओहो, ह्रीम क्रिम क्लिम ओहो छिन्नमस्ता, क्लिम क्रिम त्रिम फट। फिर से एक बार सुनिए, ह्रिम क्रिम क्लिम छिन्नमस्ता, क्लिम क्रिम क्रिम ओहो, ह्रिम क्रिम क्लिम ओहो छिन्नमस्ता, क्लिम क्रिम त्रिम फट, ठीक है। तो ये ओहो का एक उच्चारण आता है, ओहो मतलब बोलने में हम बोल रहे हैं लेकिन जो ओम पूरा होता है ना, ओम, इस उच्चारण में म नहीं लगाते हैं। तो आप जिस तरीके से भी ओम का उच्चारण करते हैं उसमें म का बिना उच्चारण के जो जो 2 बार ओहोम आया वो आप लोगों को बोलना है, मतलब ओम का उच्चारण रहता है, म जो है उसमें आपका शांत हो जाएगा। 9 दिन की साधना के बाद इसका आपको जायफल से 108 हवन करना है, किससे, जायफल से। तो आम की ऐसी लकड़ी ले लेंगे आप जिसका जिसमें कहीं जोड़ ना हो और उसको योनि मुद्रा में सजाएंगे, मतलब आपके राइट से सेंटर पहली लकड़ी, फिर सेंटर से लेफ्ट दूसरी लकड़ी, लेफ्ट से राइट तीसरी लकड़ी, ऐसे 15 5 महला आप लोग बनाएंगे। उसमें एक सूखा नारियल रखेंगे सामग्री डाल करके, और उस नारियल को रखते टाइम भगवती को अपना संकल्प करेंगे कि हे भगवती मुझे जब आप प्रत्यक्ष होगी तो आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करना। उसको रख करके फिर 108 जायफल का आप वहां पर हवन करके वहां से आ जाओगे। देखो प्रत्यक्षीकरण साधना है, इतना में ये मंत्र सिद्ध होता है। इसके बाद कम से कम 7 महीने तक इस मंत्र का जाप करना होता है, तो भगवती किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष होकर के आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो तो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉलिंग फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudna.com को सर्च करिए तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, में आप मुझे फोन कर सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए 9431188585, अपॉइंटमेंट www.aghortantrahasya.xyz पर आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती छिन्नमस्ता का आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश आराध आदेश।